हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं नमन अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में लॉकडाउन चल रहा है और जहाँ तक चांसेस हैं लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। लेकिन इस लॉकडाउन में अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है, 2-3 दिन पहले की, कि ये जो मंदी आएगी, ये जो रिसेशन आएगा, वो 2008 से बड़ा रिसेशन होगा। तो इस रिसेशन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक तो बिजनेसमैन को हो रही है, एक प्राइवेट सर्विस वाले को हो रही है। जो सेफ हैं वो कौन लोग सेफ हैं? वो गवर्नमेंट जॉब के बंदे सेफ हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि हर 100 में से जो गवर्नमेंट जॉब का रेशियो है, हर 100 में से 5, मैक्सिमम 6-10, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब हम इस गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारी तैयारी कुछ ना कुछ ऐसी होती है, हम कहीं ना कहीं कमियां ऐसी कर देते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन कई बार रुक जाता है। हम एक बार पेपर देते हैं, नहीं हो पाता। रीज़न कुछ भी हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, कोई भी रीज़न हो, लेकिन एग्ज़ाम में जब सिलेक्शन 1 नंबर से रुकता है या 10 नंबर से रुकता है तो ज़्यादा टेंशन होती है। बिकॉज 1 नंबर से मैं रहता हूँ तो मुझे लगता है यार 1 नंबर और आ जाता, लेकिन अगर जैसे जैसे गैप बढ़ता जाता है तो टेंशन कम होती जाती है, क्यों, मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो उस गैप को ख़त्म ही करना है हमें, मतलब हमें सिलेक्शन लेके रहना है। तो कम टाइम में जल्दी सिलेक्शन कैसे मिल सकता है? दो चीज़ें आपके पास, या तो यूट्यूब, आप यूट्यूब पे आइए, या फिर अनअकैडमी। तो आप कहोगे सर अनअकैडमी क्यों? तो मैं कहूँगा अनअकैडमी में आप, एक तो फ्री सेशंस होते हैं, फ्री सेशंस के उससे मुझे आज अभी मैं आपको बताने वाला था कि सैटरडे संडे SSC के फ्री सेशंस लेके आ रहा हूँ मैं। तो अनअकैडमी पे जुड़ना मत भूलिएगा और वहाँ पे मुझे फॉलो करिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड, अनअकैडमी पे हमारे पास कोर्सेज होते हैं जिससे हम आपकी घर बैठे तैयारी करवाते हैं, और वो जो तैयारी होती है वो पूरी की पूरी एग्जाम बेस्ड तैयारी होती है। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ CPO का पेपर 3 महीने बाद होगा और CPO का बैच कोई चल रहा है, तो उस बैच में शुरू से लेके अंत तक सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, साथ साथ मैथ्स, इंग्लिश, GS, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। तो आइए देखते हैं कि अनअकैडमी के साथ कैसे जुड़े हैं और क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। देखिएगा, अनअकैडमी में आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। आप कहोगे सर यूट्यूब से हम घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। अनअकैडमी के साथ हमें फ़ायदा ये है, अगर हम SSC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो SSC के जितने पेपर आते हैं हम पढ़ सकते हैं SSC का, रेलवे का लेते हैं तो रेलवे के अंदर जितने पेपर आते हैं, बैंकिंग का लेते हैं, DRDO का लेते हैं, UGC नेट, कैट मैट, UPSC, IIT, JEE, जो जो हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके अंदर जितने जितने कोर्सेज आते हैं वो हम सब पढ़ सकते हैं। सेकंड बेनिफिट क्या होता है? कंप्लीट सिलेबस होता है, कंप्लीट सिलेबस होता है। यूट्यूब में आपके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते सॉल्व, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ बेसिक से एडवांस लेवल की सॉल्व होती है। थर्ड आपके पास बेनिफिट क्या है? एक फैकल्टी के, एक सब्जेक्ट के कई सारे फैकल्टी अवेलेबल होते हैं। सपोज मैं SSC की बात करूँ तो SSC में मैथ्स में 30 से ज़्यादा फैकल्टी अवेलेबल है, और आपको हर एक का अलग अलग पे नहीं करना है, आपको वन टाइम पेमेंट करना है। उस वन टाइम पेमेंट के साथ आपके उसके अंडर मैथ्स, इंग्लिश, GS, रीजनिंग जितने भी फैकल्टी होंगे आप सारे फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आप एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि SSC के अंदर सपोज SSC, JEE, CGL, CHSL, MTNO, Steno, Phase 8 जितने भी सिलेबस आते हैं, जितने भी कोर्सेज आते हैं SSC के अंदर, वो सारे आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। ऐसी रेलवे के अंदर, डिफेंस के अंदर जितने कोर्स आते हैं, बैंकिंग के अंदर, UPSC के अंदर, जो जो जिसके अंदर कोर्सेज आते हैं वो सारे कोर्सेज आपको उसी कैटेगरी में मिल जाएंगे। फायदे क्या होते हैं? सर कंप्लीट कोर्स की आपको PDF मिलती है, वीकली टेस्ट होता है मंडे टू फ्राइडे। सपोज मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए, 1 चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर का आपके जो सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन टेस्ट होगा। हर 3 क्लासेस के बाद डाउट सेशन होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा आपका, बेसिक 1-to-1 मतलब कि आप फैकल्टी से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो कुछ। 1 घंटे की डेली क्लासेस होती हैं, बेसिक टू हाई लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बेसिक से चलता है और हाई लेवल तक क्वेश्चन जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। आप ऐसा नहीं है SSC में खाली मैथ्स का देख सकते हो, आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, टेक्निकल, GK, आप सारा कुछ उसमें देख सकते हो, और आपको पेपर से पहले टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती है। मैं अपने बैच की बात करूं तो मेरा बैच एक चल रहा है जिसमें कि मेरा एलजेब्रा चल रहा है, ठीक है। एलजेब्रा का 8 तारीख तक लास्ट डेट है, 9 तारीख से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, उसके बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, देन प्रिंस पिरामिड। तो हम देख रहे हैं हम एक चैप्टर को
एडवांस में ज्यादातर दिक्कत होती है, तो हम एक चैप्टर को बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके देखेंगे, और मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपको कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगा, और जैसे जैसे पेपर होते रहेंगे वो प्रैक्टिस आपको भी करनी है। अब आपको अगर मुझसे जुड़ना है तो आप कैसे जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है नमन मैथ्स बाई नमन सर के नाम से, फेसबुक पे हूँ नमन मैथ्स, और इंस्टाग्राम पेज है नमन डॉट अग्रवाल, आप कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। प्लस कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसका नाम है मैथ्स बाई नमन सर। अब आप अनअकैडमी पे कैसे जुड़ेंगे, पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के अपना वेरीफाई करवाइएगा। इसके बाद तो प्रिफरेंस पूछेगा लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, कोई सी भी लैंग्वेज चूज करिएगा। फिर आपका गोल पूछेगा, मैंने क्या कहा था, आपका गोल पूछेगा, गोल यूपीएससी है तो यूपीएससी, बैंक है बैंक, रेलवे है रेलवे, एसएससी है तो एसएससी, आपका सीडीएस एफकेट सीएपीएफ, इसमें ही डीआरडीओ आता है, ठीक है, आपका नेवी एक्सवाई, आपका यूजीसी नेट, आईआईटी जेई, कोई भी आपका एम हो सकता है, कोई भी आपका गोल हो सकता है। उस गोल पे क्लिक करने के बाद आपसे एजुकेटर में जाना, वाईफाई स्टडी आपका एजुकेटर है, एजुकेटर में जाने के बाद, एजुकेटर में जाने के बाद आपको किसी का भी कोर्स दिख सकता है, ठीक है, एजुकेटर में जाने के बाद आपको किसी का भी कोर्स दिख सकता है, आप किसी का भी कोर्स जाके गेट सब्सक्रिप्शन कर दीजिएगा। मेरा कोर्स चल रहा है, ठीक है, मेरे दो कोर्सेज चल रहे हैं, एक तो अर्थमेटिक का चल रहा है और एक एडवांस का चल रहा है, दोनों कोर्सेज अलग अलग चल रहे हैं। उसके बाद आप कहेगा कि आपको 1 महीने का, 3 का, 6 का, 12 का, मेरी राय यह है कि आप 12 महीने का लीजिएगा, 12 महीने का 6,000 रुपये का है, लेकिन वेट, आपको 6,000 रुपये पे नहीं करने, आपसे यहाँ पे कहेगा रेफरल कोड, तो आप रेफरल कोड लगाओगे यहाँ पे नमन 10, जैसे नमन 10 लगाओगे आप अप्लाई कर दोगे, जैसे अप्लाई कर दोगे जो 6,000 रुपये का कोर्स है वो आपको सीधे सीधे 5,400 रुपीज का होगा, मतलब 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ मैथ्स के जितने फैकल्टी हैं, इंग्लिश के कितने हैं, चाहे आप अनअकैडमी की बात करें, चाहे वाईवाई स्टडी की बात करें, चाहे जीएस की कोई भी फैकल्टी हो, चाहे आपका रीजनिंग की कोई भी फैकल्टी हो, चाहे आपकी टेक्निकल की कोई भी फैकल्टी हो, आप सिर्फ और सिर्फ 5,400 दे के ये सारे टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं 1 साल तक। वीडियो आपने अगर सपोज नहीं देख पाया आज लाइव क्लास, तो डाउनलोड करके वो वीडियो दोबारा भी आप देख सकते हैं। कई सब लोगों का सवाल होता है सर क्या 2 लोग 3 लोग मिलकर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप देख रहे हो, सपोज मैं अपने मोबाइल पर देख रहा हूँ, तो मेरा भाई सेम टाइम पे वो नहीं देख सकता, एक के मोबाइल में लॉग आउट होगा तो दूसरे के मोबाइल में ही ऑन होगा। फीस है 5,400 रुपीज, कब होगी, जब रेफरल कोड नमन 10 लगाएंगे विदाउट एनी स्पेस, NAMN10 स्पेस नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे भी कर सकते हैं। आपको अगर EMI में देना है तो EMI में देने के लिए आप क्या करेंगे, EMI में देने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड आप 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का पेमेंट आप EMI भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी जुड़े वाईफाई स्टडी में, अनअकैडमी में, किसी भी कोर्सेज के साथ हमेशा रेफरल कोड यूज करना है नमन 10, 10% डिस्काउंट के साथ साथ सारी फैकल्टी का आप कोड कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं, अपनी क्लासेस में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद और सुरक्षित रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।